नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। नौलम मांझे के चलते नागरिकों की जान खतरे में है। इसके पहले भी कई लोग मांझे का शिकार हो चुके, बावजूद इसके अपना फायदा देखने के लिए दुकानदार नौलम मांझा बेचने से बाज नहीं आ रहे। बीते दिनों से ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही है। इमामवाड़ा क्षेत्र में 20 वर्षीय छात्र प्रणव ने अपनी इसी मांझे से जान गंवाई है। पश्चिम नागपुर कांग्रेस कमेटी ने इसके खिलाफ जमकर आवाज उठाई। और नागपुर शहर में नौलम मांझा विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं मृतक 20 वर्षीय प्रणव ठाकरे के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद मिलने की मांग की है। माननीय मनपा आयुक्त साहब से मांग की है कि पीड़ित परिवार का सहयोग करें, उनकी मदद करें और नौलम मांझा विक्रेता पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।